हाय एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लीजिए, आ गई मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे कढ़ाई मशरूम। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। इसके लिए हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। एक चम्मच मैं साबुत सूखा धनिया ले रही हूँ और एक चम्मच ही जीरा लिया है। दो हरी इलायची ली हैं, दो लौंग हैं और एक पीस ले रही हूँ दालचीनी का। इसको हम लो फ्लेम पर 2-4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। और दो मैंने सूखी लाल मिर्च भी ली हैं। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। अब इसे ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मसाला आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं, इससे रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा। एक पैन में 2-3 चम्मच तेल लेंगे और इसमें डालेंगे 300 ग्राम मशरूम, जिसको मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है। फ्लेम को हाई रखेंगे क्योंकि मशरूम अपना बहुत सारा पानी रिलीज़ करती है, तो इसको पानी को भी हमें सुखाना पड़ेगा। हाई फ्लेम पर हम सारा पानी सुखा लेंगे। जब पानी अच्छे से सूख जाएगा फिर इसमें डालेंगे 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च, जिसको मैंने क्यूब्स में काटा है। इसको हम 2-3 मिनट के लिए ही भूनेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को हम क्रंची ही रखेंगे। फिर इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जब जीरा भुन जाएगा तो इसमें 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए डालेंगे। इनको हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक। इसका आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 टमाटर का पेस्ट। ये भी 2 बड़े टमाटर का ही पेस्ट है। अब इसमें डालेंगे जो हमने मसाला ब्लेंड किया था, ये सारा मसाला डाल देंगे। मसाले को अच्छे से भूनेंगे, नहीं तो कच्चे कच्चे मसाले से सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी। लाल मिर्च डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मसाले में भी सूखी लाल मिर्च है तो मिर्च उसी हिसाब से डालें। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। मसाले को ऑयल रिलीज होने तक अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच डाल देंगे कसूरी मेथी। इस टाइम पर फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मलाई। आप क्रीम भी डाल सकते हैं। मलाई या क्रीम से बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब इसमें डाल देंगे मशरूम, प्याज और शिमला मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाले हैं प्याज और शिमला मिर्च में अच्छे से मिल जाएं। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक देंगे और लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। लीजिए, हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई मशरूम की सब्जी रेडी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें और उसकी पिक फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपलोड करके मुझे टैग भी करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।